हेलो नमस्ते आदाब, मैं हूँ सोनाली और आप देख रहे हैं मैटनी शो। मैटनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम स्पॉटलाइट है। अफगानिस्तान के हालात सभी के सामने हैं। रविवार 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल स्थित राष्ट्रपति अशरफ गनी के महल तक में सेंध लगा दी, जिसके बाद राष्ट्रपति गनी ने देश छोड़ दिया। अफगानिस्तान में ऐसे हालात नए नहीं हैं। भारत का अफगानिस्तान से करीबी रिश्ता भी रहा है। हमारी फिल्मों में भी अफगानिस्तान की हाजिरी अक्सर लगती रही है। आज आपको ऐसी ही 5 फिल्मों से परिचित कराते हैं। सबसे पहले काबुल एक्सप्रेस। डायरेक्टर कबीर खान द्वारा निर्देशित फिल्म, वही कबीर खान जिन्होंने बाद में बजरंगी भाईजान बनाई। काबुल एक्सप्रेस में जॉन इब्राहिम और अरशद बारसी थे, दो भारतीय पत्रकार सुहेल और जय की भूमिका में। ये दोनों अफगानिस्तान जाते हैं वहां के हालात को रिपोर्ट करने के मकसद से, जहां उन्हें एक अमरीकी पत्रकार जैसिका मिलती है। तीनों का साथ बन जाता है। ये अपने सफर पर चल ही रहे होते हैं कि इन्हें मिलता है इमरान, एक तालिबानी जो पाकिस्तान भागने की कोशिश में है। बंदूक के जोर पर इमरान इनके साथ हो लेता है। रास्ते में पहले सिगरेट शेयर होती है, फिर इमरान खान और कपिल देव में से कौन बेहतर है इस पर गंभीर बहस होती है। कुछ मील चले ही होते हैं कि अब रास्ते में बंदूक लिए एक शख्स इनका रास्ता रोक लेता है, एक अफगानी जिसने अपनी आंखों के आगे अपने वतन को उजड़ते हुए देखा है, वो भी वहां से भागने की फिराक में है। दिलचस्प बात यह है कि इनकी गाड़ी कैसे चारों तरफ आतंक से घिरे हाथों में बंदूक लिए 5 अलग अलग देशों के बाशिंदे प्यार, सिगरेट और फिल्मी गानों से जुड़ जाते हैं, ये फिल्म में आपको देखने को मिलता है। दूसरी है एस्केप फ्रॉम तालिबान। ये फिल्म सुष्मिता बैनर्जी की लिखी आत्मकथा अकाबुल वालास बंगाली वाइफ पर आधारित है। कहानी है कोलकाता की रहने वाली सुष्मिता की। सुष्मिता की अफगानिस्तान से व्यापार के लिए भारत आए बिजनेसमैन जावाज खान के साथ एक थिएटर रिहर्सल के दौरान मुलाकात होती है, फिर प्यार हो जाता है और दोनों सबसे छुपकर कुछ दिन बाद ही शादी कर लेते हैं। लेकिन जैसे शादी का सुष्मिता के घर वालों को पता चलता है, वो उनका तलाक कराने की कोशिश करने लगते हैं, जिस कारण सुष्मिता कोलकाता छोड़ अपने पति के साथ उसके घर अफगानिस्तान चली जाती है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि जाबाज ने पहले भी एक शादी कर रखी है। उसका मन टूट जाता है, वो वापस भी नहीं जा सकती। हार कर जाबाज के बाकी परिवार के साथ सुष्मिता रहने लगती है। वहां रहते हुए सुष्मिता अपने परिवार और गांव की महिलाओं को अपने पतियों की मनमानी का विरोध और अपने हक की आवाज उठाने के लिए जागरूक करने लगती है। सुष्मिता की महिलाओं को जागरूक करने वाली बात जब तालिबानियों तक पहुंचती है तो वो उस पर बहुत जुल्म ढाते हैं। खैर, कुछ साल बाद गांव की मुखिया की मदद से सुष्मिता वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। भारत आकर सुष्मिता ने 1995 में अपनी ये कहानी लिखी थी, जिस पर 2003 में डायरेक्टर उज्जवल चट्टोपाध्याय ने एस्केप फ्रॉम तालिबान फिल्म बनाई। फिल्म में सुष्मिता का रोल मनीषा कोइराला ने और जाबाज खान का रोल नवाब शाह ने प्ले किया था। 2012 तक सुष्मिता बैनर्जी भारत में ही रही। 2013 में वो वापस अफगानिस्तान अपने गाँव जाकर जनसेवा करने लगी, जहां कुछ दिनों बाद तालिबान ने उनकी हत्या कर दी थी। अगली फिल्म है काबुलीवाला। काबुलीवाला फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर की लघु कथा काबुलीवाला पर आधारित है। कहानी है एक फल बेचने वाले की, जो हर साल कलकत्ता आता है और गली गली जाकर फल बेचता है। फल बेचने के दौरान उसे एक 5 साल की लड़की मिलती है, मिनी। अब वो रोज मिनी को फल देता और उसके साथ खेलता। काबुलीवाला मिनी को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगता है। एक दिन एक गुंडा काबुलीवाले से पैसे वसूलने की कोशिश करता है। दोनों की थोड़ी हाथापाई हो जाती है, जिस कारण पुलिस काबुलीवाले को पकड़कर जेल में डाल देती है। कई सालों के बाद काबुलीवाला जेल से रिहा होता है। रिहा होते ही सबसे पहले वो मिनी के घर जाता है। मिनी अब जवान होती है और काबुलीवाला बूढ़ा, लिहाजा वो उसे पहचान नहीं पाती। टैगोर की इस कहानी को कई बार फिल्मी पर्दे पर उतारा जा चुका है। सबसे पहले 1957 में आई बंगाली फिल्म काबुलीवाला में, 2018 में बायोस्कोप वाला में, जिसके बारे में हमने आपको बताया। हमने जिस फिल्म के बारे में लिखा है, ये 1961 में रिलीज हुई गुरुदत्त की फिल्म काबुलीवाला है। अगली है बायोस्कोप वाला। एक फैशन फोटोग्राफर है रोबी बसु, काबुल की फ्लाइट पकड़ रहे हैं। फ्लाइट पर चढ़ने से पहले अपनी बेटी से बात करना चाहते हैं, नहीं हो पाती। एक लेटर लिखकर प्लेन पकड़ लेते हैं, प्लेन क्रैश हो जाता है। बेटी मिनी, जो कि पेरिस में पढ़ रही है, वो कोलकाता लौटती है।
यहाँ आकर पता चलता है कि मरने से पहले पिता ने एक कैदी को रिहा कराकर उसकी कस्टडी लेने के लिए 10 साल तक जंग लड़ी थी। वो कस्टडी अब जाकर मिली है और अल्जाइमर से पीड़ित एक बूढ़ा आदमी अब मिनी की जिम्मेदारी है। इस बदमजा जिम्मेदारी से मिनी चिढ़ी हुई है। उसका रवैया तब बदलता है जब उसे पता चलता है कि ये आदमी और कोई नहीं उसके बचपन का बायोस्कोप वाला है। वो बायोस्कोप वाला जिसने बकौल खुद मिनी के उसे कहानी कहना सिखाया था, जो अफगानिस्तान से आया था और जो मर्डर के इल्जाम में जेल काट रहा था। अब मिनी के सामने कुछ सवाल हैं। क्यों उसके पिता काबुल जा रहे थे? बायोस्कोप वाले रहमत खान का परिवार कहाँ है? क्या वाकई मर्डर रहमत खान ने किया था? अगर हाँ तो क्यों? रहमत खान की बेटी राबिया की क्या मिस्ट्री है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे मिनी क्या करे? सवालों के जवाब तलाशती मिनी कोलकाता के रेड लाइट एरिया सोनागाछी से लेकर अफगानिस्तान तक भटकती है। इसी क्रम में बायोस्कोप वाले की जिंदगी कई लोगों की यादों के सहारे परत दर परत खुलती जाती है। इसमें शामिल है सोनागाछी का एक दलाल वहीदा और गजाला नाम की वो दो औरतें जो रहमत के साथ अफगानिस्तान से आई थी, रवि बासु की डायरी, उनका आखिरी खत और मिनी की यादें। अगली फिल्म है काफिला। साल 2000, देश भर में मंदी छाई हुई है। आम आदमी के लिए घर चलाना मुश्किल पड़ रहा है। सब विदेश जाकर पैसे कमाना चाहते हैं ताकि घर पाल सके। ऐसे ही कुछ भारतीयों और कुछ बांग्लादेशियों और पाकिस्तानियों को एक दिल्ली का एजेंट राशिद ग्रेट ब्रिटेन पहुंचाने का ठेका लेता है। ये सब अपने जीवन की सारी जमा पूंजी जोड़कर राशिद को दे देते हैं। शिप से ये रवाना हो जाते हैं। रास्ते में भयंकर तूफान से शिप भटक जाता है। राशिद समेत सब जब जमीन पर उतरते हैं तब वहां उन्हें एक अफगान गाइड मिलता है जो उन्हें आगे ले जाने का वादा करता है, दावा करता है। लेकिन कुछ वक्त बाद इन सबके जीवन में अलग ही मुसीबत आ जाती है। काफिला 2007 में रिलीज हुई सनी देओल स्टारर फिल्म है। सनी के साथ फिल्म में सुदेश बेरी और सना नवाज भी दिखाई देते हैं। ये मैटनी शो आपके लिए लिखा हमारे साथी शुभम ने। मेरा नाम है सोनाली। देखते रहें दी ललन टॉप। आज के मैटनी शो में आपके लिए इतना ही। शुक्रिया।